नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पित आर्य। सुप्रीम कोर्ट के कृषि सुधार कानूनों के मामले में बनाई गई जिस कमेटी पर कांग्रेस सवाल उठा रही है, उसके सदस्य और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान कांग्रेस समर्थक माने जाते हैं और इससे जुड़ा उनका 2019 का एक वीडियो और कुछ ट्वीट सामने आया भी, जिसमें वो खुलकर कांग्रेस का समर्थन करते दिखे। इस वीडियो में उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के घोषणा पत्र की तुलना करते हुए कांग्रेस का समर्थन किया और यही नहीं, 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने पंजाब में कांग्रेस उम्मीदवारों का समर्थन किया था। मान से पहले सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी में शामिल अशोक गुलाटी भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में बड़े पद पर थे और अब इसी कमेटी के एक और सदस्य भूपेंद्र सिंह मान का भी कांग्रेस कनेक्शन सामने आया है। लेकिन कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पार्टी से संबंध होने की बात को सिरे से नकार दिया है। आर एवरी टाइम फॉर्मल मैनिफेस्टोस यूज्ड टू बी कमिंग इन एंड नथिंग कंक्रीट वाज हैपनिंग। दिस टाइम वी फाइंड दैट देयर सीम्स टू बी अ पॉलिसी शिफ्ट विद कांग्रेस मैनिफेस्टो। ऐसा ऐसे व्यक्ति का कांग्रेस से कैसे जुड़ाव हो सकता है? मैंने इसीलिए आपको ये सवाल, देखिए मैं आप ये कहें कि कोई 1947 में सदस्य रहा होगा, कांग्रेस पार्टी का स्टैंस क्या है? कांग्रेस पार्टी का स्टैंस है कि तीनों काले कानून गलत है और भूपेंद्र सिंह मान जी का क्या है कि वो मोदी जी के साथ है। मैंने आपको जो कहा कि ऐसे किसी व्यक्ति का कांग्रेस से ताल्लुकात हो ही नहीं। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध बताता है कि आंदोलन में राजनीति हावी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ है, ये हमारी इच्छा के विरुद्ध हुआ है। हम तो चाहते थे कि ये कानून यथावत रहे, होल्ड नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वह सर्वमान्य है और निश्चित रूप से हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं और जो ये कमेटी बनी है उस कमेटी के माध्यम से निश्चित रूप से पूरे देश के जो किसान हैं उनकी भी राय ली जाएगी, एक्सपर्ट है जो इस एग्रीकल्चर के अंदर उनकी भी राय होगी और जो अगला जब फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का तो निश्चित रूप से इस रिपोर्ट के आधार पर आएगा। तो मुझे ये विश्वास है कि निश्चित रूप से इन कानूनों के अंदर जो किसानों के हित के हैं उन बातों को ध्यान में रखकर ये किया जाएगा। सहयोगी साथ है इस वक्त, मुजफ्फरनगर से दीपक बिष्ट इस वक्त साथ है, लखनऊ से अजीत सिंह हमारे साथ है, मुंबई से अभिषेक पांडे हैं, अहमदाबाद से जनक दवे और जयपुर से भवानी सिंह, भोपाल से मनोज शर्मा भी हमारे साथ होंगे। लेकिन जल्दी से पहले दीपक का रुख करते हुए, दीपक अब ये जिस तरीके से कांग्रेस बाकी तेवर दिखाते हुए नजर आ रही हो, ये कह रही है कि भाई मानसून का लेना देना ही नहीं है, ये दिखा रहा है कि आंदोलन में राजनीति कितनी हावी है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो किसान हैं उनसे हम बात करते हैं अर्पिता, क्योंकि कांग्रेस लगातार अपने अपने बयान दे रही है और आपको लगता है कि क्योंकि जो किसान हैं यहाँ पर आंदोलन में हैं कहीं ना कहीं राजनीति के शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल, जो किसान वहाँ बैठे हुए राजनीति के शिकार हो रहे हैं और हमारी तो एक बात समझ में नहीं आती, ये प्रधानमंत्री जी की नहीं मान रहे, ये सुप्रीम कोर्ट की नहीं मान रहे, ये संविधान को नहीं मान रहे, तो किसकी मानेंगे फिर? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में संविधान में सब में ताले बंद करवा दो और रोड पर फैसले होने शुरू हो जाएं। तो ये किसान ऐसे, ये मुझे किसान नहीं लग रहे, एक तो वहाँ किसान के नेता बैठे और कुछ दलाल बैठे, ये किसान नहीं है। कल लगातार सरकार ने जो बातें थी वो मानी हैं, उसके बाद भी किसान वहाँ पर जमे हुए हैं भाई साहब, इन्हें मानना ही नहीं है, क्योंकि अगर इन्हें मानना होता तो ये समझना नहीं चाहते कानून है क्या, बस ये कहते हैं तीनों कानून खड़े कानून है ये। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ, मैं किसान हूँ, मैं ये कहता हूँ जिस दिन ये कानून वापस हो जाएंगे उस दिन कड़ा दिन होगा हमारे लिए। ये कानून इतने अच्छे हैं, हम गांव-गांव जाते हैं, हमारे पास भी आते हैं लोग समझाने के लिए, इन्होंने तीन चार भ्रम फैला रखे इन्होंने। एक तो कॉन्ट्रैक्ट खेती होगी तो हमारी ज़मीन चली जाएगी, दूसरा अगर भंडारण करेंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी, तीसरा अगर हमारा कुछ मान लो यहाँ गुड़ है, गुड़ ज़्यादा बनता है हमारे क्षेत्र में मुजफ्फरनगर में मेरठ में, और आज के आगे गुड़ हम कहीं बेच सकते हैं, मंडी से बाहर भी जाकर, कोई पहला टैक्स देना पड़ता था, हम कहीं भी जाए तो बेच सकते हैं, तो इनको इससे मंडी बंद हो जाएगी। मैं ना कहना चाहता हूँ, एक तो भंडारण होगा, जब हमारे देश में प्याज के रेट बढ़ने पर गवर्नमेंट गिर जा तो भला भंडारण होने पर गवर्नमेंट नहीं गिरेगी? अभी तो चुनाव आने वाले, 2022 में चुनाव आएंगे, 2024 में चुनाव होंगे, जब तक जवाब दे देंगे
दूसरा ये क्या कहते हैं, उनको नहीं दो साल तो ठीक चला गए, बाद में ये बेकार हो जाएगा सारा मामला, दो साल तक तो ठीक है, तो दो साल तक तो किसानों को मौज लेने दो, दो साल तक किसान की आमदनी बढ़ने दो। आपका कहेंगे राजनीति हो रही है किसानों को लेकर? इसमें एक बात है, जैसा ये है कि 12.5 एकड़ पे किसान पर सीलिंग है, तो मैं तो प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि जैसा किसानों पर सीलिंग आ जाए 12.5 एकड़ से, तो जो नेता हैं किसान नेता या और भी नेता, कोई भी राजनीति नेता, तो इन पे भी अचल और चल संपत्ति पे इनका भी एक नियम ऐसा बने जिससे इन पे भी एक वो लगे, अंकुश लगे। नहीं तो कोई भी नेता आवे वो एकदम अमीर होना शुरू हो जा, संपत्ति उसकी बढ़नी शुरू हो जा, वो संपत्ति पता नहीं कहाँ से बढ़े कहाँ से नहीं। तो इससे अगर प्रधानमंत्री जी मोदी जी हमारे इस पर भी बनावे, जिस तरह किसान पर बना हुआ कि 12.5 एकड़ से ऊपर सीलिंग है, तो अगर नेता या किसान नेता हो या और कोई भी नेता हो तो उस पर भी एक ऐसा नियम बने, तो इससे देश खुशहाल होगा, देश उन्नति करेगा, देश में गरीबी कम होगी, यही मेरी एक वो है। प्रधानमंत्री कांग्रेस लगातार देखिए ये अब राजनीति शुरू हो गई है, कांग्रेस बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि उनका मान से कोई भी लेना देना नहीं है और वो पहले ऐसी विचारधारा के रहे होंगे लेकिन अब वो मोदी जी के साथ हैं, ये तमाम आरोप देखिए कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि जो कांग्रेस कमेटी के सदस्य अशोक गुलाटी पर सवाल खड़े कर रही है वो मनमोहन सरकार में फसलों की कीमत तय करते थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी क्या सोचते हैं और समझते हैं, क्या आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही और इससे एक बीच का रास्ता दिखाया है कोर्ट ने? ये सुप्रीम कोर्ट की जो टीका टिप्पणी है वो काफी महत्वपूर्ण है, जो सरकारी आदेश है उस पर उन्होंने रोक लगाई है, वार्ता की संभावनाएं तलाश की हैं, 4 लोगों की कमेटी बनाई है, किसान संगठनों ने भी सूचित किया है कि वो 26 जनवरी को परेड को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हिंसा का इस आंदोलन में कोई स्थान नहीं, उन्होंने भी ये घोषणा की है। लेकिन किसान संगठनों और सरकार के बीच में जो भ्रम है, जो संदेह है और जो अविश्वास है, उस पर मैं ज़रूर अपनी चिंता भी जाहिर करना चाहता हूँ और अफसोस भी जाहिर करना चाहता हूँ। जहाँ तक जो सज्जन इस कमेटी में हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का मैं अभी वक्तव्य देख रहा था, जो इन पर उंगली उठा रहे थे, मैं श्री सुरजेवाला जी को भी और अन्य सभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता उनको बताना चाहता हूँ कि श्री अशोक गुलाटी CACP के चेयरमैन रहे हैं, जो फसलों के दाम तय करती है, वो उस कमेटी के चेयरमैन हैं जो कोस्ट और प्राइस कमीशन श्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली UPA 2 के सरकार में तय करती रही। इसलिए अपनी ही सरकार के प्रधानमंत्री के सलाहकार और चेयरमैन पर सवाल उठाना ये बड़ा विचित्र बात है। अजीत हमारे साथ लखनऊ से मौजूद है। अजीत देखिए इन सबके बीच सवाल तो ये भी उठता है कि आखिरकार किसान जिस कोर्ट ने कमेटी बनाई है उससे बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? आपके साथ अगर किसान हो तो बात कीजिए, क्या वजह है, आप बात करेंगे तो ही तो समाधान निकलेगा। देखिए बिल्कुल अर्पिता, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आखिर यूपी के किसान क्या चाहते हैं, विशेष तौर से लखनऊ, इस समय लखनऊ की सबसे बड़ी दुबग्गा मंडी में मौजूद हूं मैं, कुछ लोगों से बात करना चाहता हूं। कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर उन्होंने जो कानून सरकार ने बनाया था उसको रोक दिया और कहा कि 4 सदस्यीय कमेटी बना दी और कहा MSP जारी। क्या आपको लगता है कि जो दिल्ली में हो रहा हो आपकी नज़र से क्या हो रहा है? दिल्ली में जो हो रहा है सर वो खाली फर्जी है, किसान तो खेतों में है, किसान को फुर्सती नहीं है, किसान जो वो हैं वो देश विरोधी आदमी जो दिल्ली में बैठा हुआ है मजे से खा रहा है होटलों में, 5-स्टार होटल में रह रहा है, किसान मर रहा है खेत तो में। बात करना भी नहीं चाहते? बिल्कुल करेंगे क्यों बात, उनको पैसा मिल रहा है, दे रहे हैं बिचौलिए जो भी हैं उनको पैसे मिल रहे हैं, मजे से खा रहे हैं, AC में बैठे हैं, दिन में बैठ जा रहे हैं धरने। उनको कृषि कानून से कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है सर, किसान तो खुश है, उसको मिल रहा है पैसा, कहीं भी ले जाए अपना सामान, कहीं भी ले जाए, कहीं भी बेचे। क्या लगता है आपको बताइए?
सर, किसान के लिए तो ये चीज़ अच्छी है, कहीं भी अपने सौदे को बेच सकता है, उसका उचित मूल्य मिलेगा। तो दिल्ली में धरना, दिल्ली में धरना है सर, कुछ समस्याओं को लेकर तो सरकार तो उसमें कमेटी भी बना दी, फिर भी वो लोग नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं गलत हुआ। नहीं, उसकी उसी को सर मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो और भी लोग अर्पिता जिनका साफ तौर पर कहना है, क्या लगता है आप लोगों को बताइए, जो कृषि कानून बना उसके बारे में क्या कहेंगे? यहाँ के किसान तो खुश हैं, यहाँ के किसान खुश हैं, लेकिन किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अपना माल कहाँ जाकर के बेचे। अब तो कहीं भी बेच सकते हैं इस कानून के तहत, बेच तो सकते हैं, लेकिन फिर भी उनकी उनकी समस्या है, जो उनको मंडी शुल्क वगैरह लगता है उसके अंदर, यही तो कानून है वो। हाँ, तो देखिए बहुत सारे लोग हैं अर्पिता जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो दिल्ली में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। किसान यहाँ के खुश हैं क्योंकि वो कहीं भी किसी भी राज्य में जाकर अपना सामान बेच सकते हैं, इन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और सीधा इनका आरोप है कि जो वहाँ हो रहा है उसमें बिचौलिए हैं, उसमें पॉलिटिकल एंगल लिया जा रहा। तो कहीं ना कहीं रही साथ, देखिए कृषि सुधार कानून पर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगने के बाद भी किसान जो है वो प्रदर्शन पर अड़े हैं। उन्होंने दिल्ली से लगी बॉर्डर को खाली करने से इनकार कर दिया है। किसान संगठनों का आरोप है कि सरकार उनकी कानून खत्म करने के बजाय आंदोलन को ठंडे बस्ते में डाल देना चाहती है। कोर्ट के फैसले से भी किसान संगठन जो है वो संतुष्ट नहीं है और वो आगे भी आंदोलन को जारी रखेंगे। उधर 26 जनवरी को भी किसानों की ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी है। हम समझते हैं कि सरकार की ये शरारत है कि वो अपने ऊपर से ये प्रेशर कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये कमेटी वगैरह ले आई, जिसका हमने कल ही विरोध कर दिया था कि हम ऐसी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे, हमारा आंदोलन एज इट इज सरकार के साथ चलता रहेगा। दूसरी बात, वो कमेटी भी जो बनी है ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह हम उसको नहीं मानते, लेकिन वो सारे के सारे जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो प्रो गवर्नमेंट हैं, सारे वो लोग हैं जो अब तक सरकार के कानूनों को सही ठहराते रहे हैं। 26 का जो कार्यक्रम है वो पूरी तरह पीसफुली है हमारा। जो तरह तरह के मतलब प्रचार किया जा रहा है कि लाल किला पे झंडा चढ़ाएंगे झुलाएंगे और हम पार्लियामेंट को पर कब्जा करेंगे, कोई ऐसी वैसी बातें जो आ रही हैं वो बिल्कुल गलत बातें हो रही हैं। हमारा ना ऐसा कोई प्रोग्राम है, हमारा ये प्रोग्राम है कि हम उस दिन परेड करेंगे, ट्रैक्टर परेड होगी उस दिन दिल्ली में जाकर। उस पर कोई दूसरी किसी तरह की कोई वायलेंस करने की, वायलेंट होने की किसी की कोई मंशा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में शामिल अनिल धनबट ने कहा कि वो बातचीत के जरिए इस मुद्दे पर गलत फहमी दूर करेंगे। जो रिपोर्ट तैयार होगी उसमें उन लोगों को भी न्याय मिलेगा जो आज रास्ते पे बैठे, उनको भी न्याय मिलेगा। कुछ किसान फ्रीडम चाहते हैं, उनको भी फ्रीडम मिलेगा। और एक तरीके से पूरे देश के किसानों को इसमें न्याय मिलेगा, उनकी उन्नति होगी, उनकी आय बढ़ेगी। इसकी दिशा में एक रिपोर्ट कमेटी तैयार करके सरकार को पेश करेगी। अहमदाबाद का रुख कर लेते हैं, जनक हमारे साथ हैं। जनक, आपके साथ देखिए पीछे कुछ किसान भी नजर आ रहे हैं, जरा उनसे बात कीजिए कि जब सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी का गठन कर रही है और सुप्रीम कोर्ट तो ये उनके सुझाव भी चाह रही थी, लेकिन उन्हीं के चार वकील जो बड़े हैं किसान संगठन के वो पहुंचते नहीं है, ऐसे में कमेटी के सामने क्यों नहीं जा रहे हैं किसान? बिल्कुल अर्पिता, देखिए कई किसान हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि दरअसल क्यों इस बात पर रास्ता नहीं निकल रहा। सरकार के साथ 10-10 बैठकें होती हैं लेकिन बेनतीजा रहती है, क्या इसके पीछे कहीं राजनीति तो नहीं हो रही? उनसे किसानों से पूछते हैं, सर क्या ये लगता है क्यों ये मामला रुक नहीं रहा या बातचीत के लिए उसका कोई समाधान नहीं निकल रहा? हम तो खानेटी गाँव के खेड़ों से, गुजरात में कोई आंदोलन चलता नहीं है, वो चलता है तो पंजाब हरियाणा में ही चलता है। वो अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी समिति बनाई लेकिन, और खेडूत दो कदम आगे बढ़े, सरकार दो कदम आगे बढ़े और समाधान करके इसका पूरा करना चाहिए, क्योंकि इससे तो देश का ही हाल खराब होगा। खेडूत की ऐसा नहीं है कि कोई समाधान नहीं होता है, सबका समाधान होता है, लेकिन समाधान करने के लिए अपनी आगे बढ़ना चाहिए। जैसे सरकार आगे बढ़ती है, सुप्रीम आगे बढ़ती है, ऐसे खेडूत को भी आगे बढ़ना चाहिए, तो इसका समाधान होके देश का भला होगा। बिल्कुल, तो देखिए बहुत बड़ी बात कही कि देख आप भी दो कदम चलिए, सरकार भी दो कदम चलेगी तो कुछ हल निकलेगा। प्रदीप जानना चाहेंगे क्या ये राजनीति हो रही है तो फिर इसके पीछे क्यों ये बात नहीं बन रही? नहीं, इसमें क्या है कि 60-70 साल से ये एपीएमसी मार्केट ने वो सब चल रही थी, तो चल रही थी,
अभी ये नया आया है कि प्राइवेट सेक्शन में ले जा रहे हैं, तो प्राइवेट में ले जा रहे हैं तो खेडूत को भी अच्छा रहेगा कि वो जहाँ भी चाहे वहाँ भी माल बेच सकते हैं। और प्राइवेट में भी ये क्या है, बिचौली वाले जो थे अभी बहुत से पैसे वाले हो गए, जहाँ वो सब डायरेक्टर भी होते थे वो सब लोग होते। ठीक है, जनक जरा रहिए, मुंबई का भी रुख कर लेते हैं और वहाँ किसान क्या सोचता है। अभिषेक देखिए, अर्पिता मैं इस समय पालघर में हूँ, पालघर मुंबई से सटा हुआ है और यहाँ के किसान हमेशा ऐसी फसलें उगाते हैं जो मुंबई और आसपास में अच्छे दाम मिले जिसके, और जो तमाम सारे किसान हैं आप बताइए कि जिस तरीके से खास करके इस नए नियम को लेकर के किसान दिल्ली के कह रहे हैं, क्या उससे सहमत हैं और कोर्ट का जिस तरीके से फैसला आया है उसको लेकर क्या कहेंगे? केंद्र सरकार ने जो 3 कानून बनाए किसान के हित में अभी आए हैं और उसके खिलाफ दिल्ली में सब किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट में कल जो एक निर्णय लिया है उसका हम स्वागत करते हैं कि जो हमारे मन में संभ्रम था अभी तक, तो उसमें अभी कैसा सुप्रीम कोर्ट भी दखलअंदाजी ले रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय उन्होंने जो कमिटी बनाया है वो किसान के हित में ही निर्णय लेगा ऐसा हम बिल्कुल। आप बताइए कि कैसे देखते हैं खास करके नए नियम को, और आप चूंकि मुंबई के आसपास रहते हैं खेती करते हैं तो क्या आपको लगता है कि नए नियमों से आपको फायदा होगा कि नुकसान? नया नियमों से हमको फायदा ही होगा, जो सरकार जो कर रहे हो अच्छे कर रहे हैं। आप बताइए कि किस तरीके से देखते हैं नए नियम को और जिस तरीके से विरोध हो रहा है उसका, वो सही है या गलत? सुप्रीम कोर्ट का हम हमेशा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया वो भी किसान के हित में है इस मुद्दे पे। बिल्कुल, और भी लोग हैं यहाँ पर, आप बताइए कि जो अब तक आप मंडियों में सिर्फ जाते थे लेकिन अब बाहर भी जिस तरीके की व्यवस्था आप कहीं पे भी बेच सकते हैं उससे अब फायदा होगा कि नुकसान होगा? आप लोग चूंकि लगातार यहाँ पर मुंबई के लिए खेती करते हैं, मुंबई के बड़े मार्केट के लिए यहाँ से सब्जियाँ और तमाम सारी चीजें बेचते हैं। देखिए, पहली तो बात ये है सर, जो किसानों ने ये आंदोलन छेड़ा था उनका भी हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन जो किसानों के हित की जो बात है उसका हमेशा हम समर्थन करेंगे। और देखिए, सरकार ने एक तरफा निर्णय ना लेते हुए जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कल का, उसका सम्मान करते हुए जो कमेटी बनाई, वो कमेटी के ऊपर हमारा पूरा ट्रस्ट है। आने वाले दिनों में भी किसान हित में जो भी बातें बनेंगी उसके बारे में हम लोग स्वागत करेंगे। दूसरी सर बात ऐसी है कि हम लोग देश के सबसे बड़े शहर के पास रहते हैं, यहाँ पे हम लोग खेती में जो चीज़ 10 रुपये किलो से बेचते उगा के वो बाजार में 40 रुपये में मिलती है, तो बीच का जो पैसा जहाँ पे जाता है दलाली में वो कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। और उसका का पैसा रुकता, आप बताएं दलाली का पैसा रुकेगा नए नियम से, कि आप लोगों को इस नए नियम को लेकर किस तरीके से देखते हैं? हाँ बराबर है, जो मार्केट मध्ये भाजी घेऊन जातो त्यालाच हे वेदना माहिती असतात। ऍक्च्युअली हे आपण माल दिल्यानंतर आठवड्याने आमची ती बिल्कुल रही है साथ। देखिए, किसान आंदोलन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अमित शाह से मुलाकात की। किसानों की मांगों पर दोनों नेताओं की अमित शाह से चर्चा हुई। हरियाणा के सीएम खट्टर ने उम्मीद जताई कि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो जाएगा, तो वहीं दुष्यंत चौटाला ने कहा सुप्रीम कोर्ट की कमेटी इसका जल्द समाधान करेगी। आशा की जाती है कि अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, कमेटी बनाई है, एक समय तय किया गया है और किसान बंधु हमारे जो आंदोलन कर रहे हैं वो उस एजिटेशन को इस समय स्थगित करके अपने अपने घरों को लौटेंगे, ऐसा एक विश्वास की व्यक्त किया गया है। तो ये बात तो मजबूती से सरकार कर रही है। जहाँ किसान की बात आई थी एक एक विषय पर चर्चा हुई है और उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट की कमेटी इसको रिजोल्व कर। मनोज का रुख कर लेते हैं और वहां पर किसान क्या कह रहा है वो भी जान लेते हैं। मनोज, तो इस वक्त भोपाल की मंडी में हूं मैं, यहां पर अभी 11 बजे से बोली शुरू होगी और किसानों से बेहतर कौन बताएगा, क्योंकि अभी यहां पर ये ट्रैक्टर लेकर आए हुए हैं। भोपाल के पास एक बंगरसिया जगह है, बंगरसिया से प्रकाश मीना अपना माल लेकर यहाँ पर आए हैं। क्या बेच रहे हैं आप? गेहूं। अरे, गेहूं बेचने आप आए? अब आपने, आपको पता चला कि इतने दिनों से जो किसानों का आंदोलन चल रहा था अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञों की कमेटी बना दी, एक किसान होने के नाते प्रकाश मीना क्या सोचते? मैं ये सोचता हूं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो किसानों के हित में सोचते हुए कुछ ऐसा निर्णय ले जिससे कि किसान को परेशानी नहीं आए। और दूसरा, एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जैसे कि किसी कंपनी से अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और गुणवत्ता नहीं बनी अच्छी तो उसने माल नहीं लिया तो परेशानी हो जाएगी किसान की, तो कुछ ऐसा सोचते हुए कुछ ऐसा समाधान निकालें। लेकिन ये तो सरकार पहले ही कह चुकी है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान की फसल के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो उसकी ज़मीन के साथ नहीं होगा। ज़मीन के साथ तो नहीं होगा, मगर अगर फसल में कुछ थोड़ी बहुत भी कमी ममी आ गई तो दिक्कत ही आ जाएगी, फिर वो बचा हुआ माल कहाँ ले जाएगा? अगर उनकी गुणवत्ता के हिसाब से वो फसल तैयार नहीं हुई पक के नहीं तो उस माल को कहाँ ले जाएगा किसान? प्रकाश, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि जैसे अब कमेटी है उसमें किसानी को खेती को जानने समझने वाले लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत ने वो कमेटी बनाई है, तो अब किसानों को उससे बात करनी चाहिए कमेटी से? कमेटी को किसानों से बात करनी चाहिए। हाँ। कमेटी को किसानों से बात करनी चाहिए और किसानों के हित में ही कुछ ऐसा फैसला देना चाहिए कि जो उससे किसान को परेशानी ना हो ज्यादा। और कोई सवाल आपके मन में भी? आप MSP की बात कर रहे हैं। MSP तो ऐसा होना ही चाहिए कि इससे कम में तो माल बिकेगा ही नहीं साहब, क्योंकि मनोज साथ भवानी का भी रुख कर लेते हैं और वहां पर भी किसान क्या कह रहा है जान लेते हैं। भवानी, वहां पर किसान क्या कह रहा है कि क्या कमेटी के सामने पेश होना चाहिए? दिल्ली में बैठे जो बॉर्डरों पर अलग अलग बॉर्डरों पर किसान है उन्हें देखिए, जयपुर से 45 किलोमीटर दूर सुल्तानपुरा गांव के अंदर हूँ, किसान क्या सोचते हैं इसलिए हम गांव में ही पहुंचे हैं, सीधे उन्हीं से पूछते हैं। आप बताएं कि अब जो आंदोलन है उसमें किसान कह रहे हैं कि वो कमेटी के सामने नहीं जाएंगे, वो सीधे सीधे बिल्कुल गलत है। कमेटी के सामने जाना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारी सर्वोच्च संस्था है जो हमारे न्याय को पूरी तरह से रक्षा करती है, उसके सामने जाकर के और अपने जो सुझाव है उनको बताना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सीधे सीधे रूप से बिल्कुल गलत मानता हूँ, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, उल्टा फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि उनके कंधे पर बंदूक रख करके बरगला करके झूठा, और जो विपक्षी राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो और अन्य भी इसमें देश विरोधी जो ताकतें हैं वो भी इसका फ़ायदा लेने में, और वो किसान किसी तरह से आंदोलन से इससे प्रेरित नहीं है और किसानों के हित में है ये कानून, किसी प्रकार का कोई किसानों के हित में। आप बताएं क्या लगता है, अब इतनी सारी चर्चा हो गई है, क्या ये कानून किसानों के हित में है या नहीं है? ये कानून किसानों के हित में है। कैसे? जैसे पहले भी माल मंडी में बिकता था, आज भी इसमें कोई पाबंदी नहीं है। पहले मंडी के बाहर को माल बेचता था तो ये कृषि मंडी वाले जाते थे, उससे पैसा ऐंठते थे, वो अब खत्म हो गया। साथ एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन की जगह बदलने की शर्त पर कृषि सुधार कानून लागू करने पर रोक लगा दी है, मतलब समस्या का हल फिलहाल समाधान जो है वो भी मिलता दिख रहा है, आगे इस पर बातचीत का रास्ता खुल गया है तो फिर किसानों का धरना खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। किसानों ने ऐलान कर दिया कि धरना जारी रहेगा, उसकी जगह भी नहीं बदली जाएगी। ऐसे में सवाल ये कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के समाधान के बाद भी किसान क्यों अड़ गए हैं? सवाल ये भी कि किसान के भेष में क्या सुधार विरोधियों ने धरने में डेरा डाल दिया है और क्या गणतंत्र पर धरना तंत्र हावी हो गया है? रुके विधान, हटेंगे किसान, इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो स्टे लगाई है वो एक और तरीका है सरकार का कि ये अपना आंदोलन बंद हो जाए। कानून पर विराम से समाधान, ये वो सिर्फ एक लॉलीपॉप है कि हाँ ये चुप हो जाए और ये अपने अपने घरों को चले जाए, ऐसा नहीं होगा। कमेटी की बात से बनेगी बात। सुप्रीम कोर्ट ने जब सरकार ने सुना नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उसको स्टे किया है, लेकिन स्टे से इसका हल निकलने वाला नहीं है। सारे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं और हम बुजुर्गों के साथ हैं। करीब 50 दिन से किसान दिल्ली की सरहदों पर धरना दिए बैठे हैं। किसान संगठनों को सरकार ने 9 बार अपने द्वार बुलाया, उनके सामने बातचीत का मजमून सजाया, लेकिन पहले जो किसान संगठन सिर्फ लिखित MSP की मांग कर रहे थे वो कानून वापसी की मांग पर अड़ गए और दिल्ली की सीमाओं को घेर कर डेरा डाले हुए हैं। सरकार सुलह की कोशिशों में जुटी है और किसान कभी ट्रैक्टर रैली निकालकर, कभी झंडे बैनर संभालकर अपने हठ योग पर कायम है। भड़कते आंदोलन को शांत कराने की मंशा से ही
सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर रोक लगाने का फैसला सुना दिया। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा कि वो तीनों कृषि कानून पर रोक लगाने को तैयार हैं अगर आंदोलनकारी अपने आंदोलन को कहीं और शिफ्ट करते हैं। साथ ही उन्होंने सरकार से इस बात की भी जानकारी मांगी कि क्या इस आंदोलन में कुछ प्रतिबंधित संगठन भी शामिल हो गए हैं, लेकिन वहीं किसान संगठन अब भी अपनी हठधर्मी पर कायम है। 15 जनवरी को भी सरकार ने किसान संगठनों को बैठक के लिए बुलाया, उस दिन भी सुलह की कोशिश होगी, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों और सरकार के बीच कोई समझौता ना होता देख ये सख्त फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को दिए अपने फैसले में कृषि सुधार कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों वाली बेंच ने कहा है कि अगले आदेश तक तीनों कानूनों पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने किसान और सरकार से बातचीत के लिए कमेटी बनाने का आदेश दिया है। कमेटी के सभी सदस्य सुप्रीम कोर्ट ने ही तय किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 12 जनवरी को हुई सुनवाई पर लंबी बहस चली। चीफ जस्टिस ने कहा कि आंदोलन की जगह बदलने की शर्त पर तीनों कानूनों पर रोक लगाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि कमेटी इसलिए बना रहे हैं ताकि हमें जमीनी हकीकत पता चले। अगर आप मामला सुलझाना चाहते हैं तो कमेटी के पास जाइए। कमेटी के मुद्दे पर भारतीय किसान यूनियन ने अपनी तरफ से जस्टिस मार्केंडेय काटजू और जस्टिस कुरियन जोसेफ के नाम का प्रस्ताव दिया। इस पर सीजेआई ने कहा कि कोर्ट अपने हिसाब से कमेटी बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय किसान यूनियन की मांग को सिरे से खारिज करते हुए बिना किसी जज को शामिल किए 4 सदस्यों वाली कमेटी बना दी। सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत के लिए बनाई कमेटी में किसान नेता बीएस मान, कृषि वैज्ञानिक अशोक गुलाटी, शेतकारी संगठन के अनिल घनवट और खाद्य नीति विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद जोशी का नाम तय किया है। केंद्र सरकार कृषि सुधार कानूनों के विवादित मसलों पर संशोधन के लिए तैयार है, साथ ही भ्रम को मिटाने के लिए संवाद का सहारा भी लिया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी किसानों के हक में फैसला सुना दिया है, लेकिन सरकार से चर्चा करना तो दूर, किसान सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी में भी विश्वास करने को राजी नहीं है, ना ही आंदोलन की जगह बदलने को तैयार है। देखो, हमारी डिमांड थी कि ये कानून वापसी हो, ठीक है, हमारी वापसी की। तो कोर्ट के जजमेंट पर क्या कहेंगे? कोर्ट ने जो दे दिया, भाई कोर्ट का तो धन्यवाद रहता है जो कोर्ट ने कह दिया, लेकिन हम अपना जो स्पष्ट हुए हैं वो हमारे लीगल जो एडवाइजर होंगे वो उसको रिपोर्ट अपना दे देंगे। चार स्टैंडों का धरना, हम अपना धरने चलते रहेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से चलते रहेंगे। हेलो, अपने प्रदर्शन करते रहेंगे, सरकार से बात कर लेंगे। देखो, हमारा रोक लगाने की कोई मांग नहीं, हमारा तो मांग है इनको रद्द किया जाए, MSP पर 4th कानून बनाया जाए। चलो, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डायरेक्शन दिया है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन हमारा फैसला है कि हम आंदोलन में लगे हुए हैं 4 महीने से है, इधर से बहुत नुकसान हुआ, 70 से ज्यादा हमारी मौतें होगी किसानों की। अब कृषि कानूनों पर बनी कमेटी ही सरकार और किसानों के बातचीत के बाद सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देगी, जिस पर आगे का फैसला होगा। कमेटी के सदस्य अनिल घनवट ने कहा है कि किसान अगर बातचीत करेंगे तभी कोई समाधान निकल कर आएगा। ये अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी इसमें फॉर्म की है, और इस कमेटी के माध्यम से जो आंदोलक किसान संगठन है उनसे बात करके और जो सपोर्टिंग संगठन है उनसे भी बात करके हम एक एमिकेबल सॉल्यूशन इसमें से निकालेंगे। जो आंदोलक संगठनों की मांग है वो भी पूरी हो जाए, जिन किसानों को आज़ादी चाहिए उनको आज़ादी मिले, जिनको प्रोटेक्शन चाहिए उनको प्रोटेक्शन मिले, इस तरह का एक हल निकालने की कोशिश हम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने करीब 2 महीने से चले आ रहे आंदोलन के समाधान के लिए कानून रोकने का फैसला सुनाया है, लेकिन पहले से कानूनों पर भ्रम फैलाने वाले विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भ्रम जाल फैलाने में जुट गए हैं। कोई हार जीत नहीं है, हारी हार है, क्योंकि अगर कानून यथावत रहा तो किसानों की हार है, और सरकार को वापस लेना पड़ा तो दोनों की जीत है। कोर्ट अगर इन कानूनों पर रोक लगाता है, किसी भी तरह की रोक लगाता है, स्वागत योग्य कदम है, लेकिन हम याद रखना चाहते हैं कि यह हमारी मांग नहीं है। हमारी मांग ये नहीं है कि इन पे कुछ समय के लिए रोक लगा दी जाए,
हमारी मांग ये है कि इन कानूनों को खारिज किया जाए, रद्द किया जाए। तो हम इन पर रोक लगाने का स्वागत करते हैं, लेकिन ये हमारी मांग नहीं है, इसलिए हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कि कमेटी के जब चारों सदस्य पहले से ही मोदी जी के साथ खड़े हैं, मोदी जी के काले कानूनों के साथ खड़े हैं, खेत और खलिहान की मोदी जी की साजिश के साथ, बेचने की साजिश के साथ खड़े हैं, तो ये कमेटी किसानों से न्याय कैसे करेगी या कैसे कर सकती है और इसका नतीजा क्या निकलेगा? हम सबको, हमें नहीं मालूम कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने ये तथ्य किसी वकील ने रखे भी या नहीं रखे। कांग्रेस पार्टी जिस कमेटी के सदस्यों पर सवाल उठा रही है, उसमें एक सदस्य ऐसे भी हैं जो मनमोहन सरकार में फसलों के दाम तय करते थे। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी पर सवाल उठाए। इसी कमेटी के एक सदस्य कृषि वैज्ञानिक अशोक गुलाटी है। अशोक गुलाटी यूपीए सरकार में CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस के सदस्य थे। यानी अशोक गुलाटी मनमोहन सरकार में फसलों के दाम तय करते थे, लेकिन अब सियासी हित में फंसी कांग्रेस को कमेटी के सदस्यों पर भरोसा ही नहीं है। हालांकि यूपीए के सहयोगी दल NCP के प्रमुख शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए ट्विटर पर लिखा है कि कृषि कानूनों पर रोक लगाने और बातचीत के लिए 4 सदस्यों की कमेटी बनाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। ये किसानों के लिए बड़ी राहत है। उम्मीद करता हूं कि अब सरकार और किसानों के बीच किसान हित को ध्यान में रखते हुए नतीजे पर पहुंचने का संवाद शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी को भी आंदोलन के साइड इफेक्ट पर अपनी चिंता जाहिर की थी। 12 जनवरी को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आंदोलनकारियों की आड़ में छिपे बैठे प्रतिबंधित संगठनों के खिलाफ दायर याचिका पर भी केंद्र सरकार से जानकारी मांगी। CGI ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि कुछ प्रतिबंधित संगठनों के आंदोलन में शामिल होने के आरोप हैं, क्या आप इस बात को मानते हैं? इस पर अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल ने जवाब दिया कि कुछ खालिस्तानी संगठन के होने की बात कही जा रही है, सरकार IB रिपोर्ट बुधवार यानी 13 जनवरी को कोर्ट में जमा करेगी। किसान आंदोलन में दिसंबर के महीने में खालिस्तान समर्थन के पोस्टर भी नजर आ चुके हैं और UAPA कानून के तहत गिरफ्तार लोगों की रिहाई के लिए मंच भी सज चुका है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जानकारी मांगी। सुप्रीम कोर्ट 11 जनवरी की सुनवाई में भी किसान आंदोलन में मचे हुड़दंग पर चिंता जाहिर कर चुका है। अब गणतंत्र दिवस के जलसे पर भी किसान ट्रैक्टर ट्रॉली रैली निकालने पर अड़ गए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से किसानों की ट्रैक्टर रैली पर पाबंदी लगाने की मांग की है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि इससे गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में खलल पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर किसानों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ट्रैक्टर रैली के मसले पर 18 जनवरी को सुनवाई हो सकती है। दिल्ली को घेरे बैठे किसान नेताओं ने ऐलान कर दिया है कि गणतंत्र उत्सव के रंग में भंग डालने की तैयारी पूरी हो चुकी है और 26 जनवरी को दिल्ली कूच किया जाएगा। आज का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसके ऊपर क्या आता है, हमारे पास उसकी कॉपी आएगी तो हमारा संयुक्त मोर्चा बैठेगा, वो मीटिंग करेगा, क्या इसको हमने किस तरीके से लेना है, क्या करना है, वो है, तो उसके ऊपर हमारा आंदोलन जारी है। 26 तारीख वाला प्रोटेस्ट हमारा, उसकी तैयारियां हो रही है, बड़े पत्थर पर तैयारियां हो रही है, 26 तारीख को हम प्रोटेस्ट अपना करना है, दिल्ली के अंदर परेड करना है। कहते हैं बात करने से बात बन ही जाती है, लेकिन धरने पर बैठे किसानों का रुख देखकर ऐसा नहीं लगता। किसानों के साथ 15 जनवरी को सरकार 10वीं बार बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन फिलहाल तो किसान संगठन उनके हक में फैसला देने वाली सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी से बातचीत करने में ही नानुकुर कर रहे हैं। जब किसान संगठन हठ धर्म पर अड़े हैं, तो 15 जनवरी को होने वाली बातचीत से भी कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा। और बड़ी खबर आ रही है पटना से। वहां के एक पौश इलाके में सरेआम हुई हत्या के बाद पुलिस ने SIT को जांच सौंप दी है। इस हत्या से इलाके के लोग दहशत में हैं। कुछ दिन पहले कुछ बदमाशों से ऑफिस से लौटते वक्त इंडिगो एयरलाइंस में मैनेजर रुपेश सिंह पर उन्हीं की हाउसिंग सोसाइटी के बाहर हमला कर दिया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि आसपास मौजूद लोगों को भी इसकी भनक नहीं लगी और जब तक लोग रुपेश के पास पहुंचते तब तक बदमाश वहां से फरार हो गए। बदमाशों की ताबड़तोड़ की गई फायरिंग में रुपेश को 6 गोलियां लगी और उनकी गाड़ी के शीशे भी टूट गए। आशंका जताई गई कि ये बदमाश रुपेश के वहां पहुंचने से पहले ही उनका इंतजार कर रहे थे और जैसे ही वो सोसाइटी के गेट पर पहुंचे उन्होंने हत्या को अंजाम तक पहुंचा दिया।
हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त सोसाइटी का गार्ड भी गेट पर मौजूद नहीं था और किसी ने भी इन बदमाशों को नहीं देखा। हालांकि गोलियों की आवाज सुनकर इलाके में अफरा तफरी मच गई और सोसाइटी के गेट पर लोगों की भीड़ जुट गई, लेकिन बदमाश वहां से भाग गए, जिसके बाद लोगों ने रुपेश को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो गई थी। हत्याकांड की जानकारी मिलते ही जांच के लिए एसटीएफ के अधिकारी उनके घर पहुंचे और वारदात वाली जगह का मुआयना भी किया। पुलिस ने रुपेश सिंह की कार में मिले मोबाइल को भी खंगाला और उस एक शख्स से भी पूछताछ की, जिससे आखिरी बार रुपेश की बात हुई। पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली। शुरुआती जांच के बाद पुलिस को शक है कि हत्या को पेशेवर अपराधियों ने अंजाम दिया है। वहीं डीएम के आदेश पर रात में ही मैनेजर रुपेश सिंह का पोस्टमार्टम भी किया गया, जिसके बाद उनके शव को उनके गांव भेज दिया गया। बताया गया कि हत्या से दो दिन पहले ही इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर रुपेश सिंह परिवार से के साथ गोवा में छुट्टियां मनाकर लौटे। कितने अपराधी आए थे, कैसे आए थे, अभी देखने वाले नहीं बताए हैं, और ऑफिस से जब ये लौटे तब की घटना है, बाकी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, क्या जानकारी मिल रही है, ये बदमाश कौन थे और किस रंजिश में दरअसल ये हत्या की गई? बिल्कुल, देखिए अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि इस वारदात के पीछे की हकीकत क्या है। पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है और साथ ही यह भी खंगालने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से यहां पर अपराधी पहुंचे और फिर इस वारदात को अंजाम देने के बाद वो यहां से निकल गए। हमारे साथ मौजूद हैं यहां के गार्ड की पत्नी, जो उस समय अपने घर में मौजूद थी जब यहां पर गोली की आवाज़ इनको सुनाई दी, उसके बाद क्या किया इन्होंने ये बताइए। आपको कैसे पता चला कि बाहर में गोली चल रही है? ये नहीं पता चल रहा है कि बाहर में गोली चल रही है चाहे कुछ भी हो रहा है। हॉर्न का आवाज़ आया तब हम बच्चे को, छोटा बच्चे को भेजे कि जाकर छोड़ के आओ गाड़ी से, गेट खोल के आओ। तो गेट खोली तो देखी कि शीशा फूटा हुआ है, तो मम्मी आवाज़ दी कि मम्मी शीशा फूटा हुआ है, तो शीशा देखे कि मैडम सर के शीशा फूटा हुआ, तो मैडम की आवाज़ दिए और उसके बाद आए, उसके बाद हंगामा शुरू हुआ और हल्ला गुदाल होने लगा, रोवा कानी होने लगा। तो क्या आपने किसी को आते जाते नहीं देखा, किसी को भागते नहीं देखा? ना किसी को भागते देखे, ना किसी को आते जाते देखे, किसी को कुछ नहीं देखे सर, सिर्फ गाड़ी के शीशा फूटा हुआ देखे, उसके बाद मैडम को बुलवाए। उसके बाद वो कितने बजे आते जाते थे ये आमतौर पर? आमतौर पर वही 9 से 10 बजे के करीब ले जाते थे और 7-7.5 बजे तक लौटते थे। 7 बजे जो टाइम में आए थे वही टाइम में आते थे। तो जिस वक्त यहाँ पर पहुँचे थे उसी वक्त वो हमेशा आते जाते थे, मतलब अपराधी पहले से यहाँ पर मौजूद थे। इसका मतलब ये कि रेकी किया गया था कि कब वो घर पहुँचते हैं, कब ऑफिस से निकलते हैं, जाहिर सी बात है तभी इस वारदात को अंजाम दिया गया है। एक और हम तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस अपार्टमेंट में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है लेकिन वो काम नहीं करता है। ये दो सीसीटीवी है, एक सीसीटीवी वो जो गेट की तरफ देखता है तो दूसरा जो है वो अंदर की तरफ देखता है, ऐसे में समझा जा सकता है। जरा रहिए, देखिए अब ये खंगालने की कोशिश भी हो रही है और बदमाशों को पकड़ने की कोशिश भी हो रही है। वहीं इंडिगो मैनेजर रुपेश सिंह की अंतिम तस्वीर भी सामने आई है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब कोरोना वैक्सीन पटना एयरपोर्ट पर पहुंची थी और तब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और कई अधिकारी वैक्सीन रिसीव करने एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। उस वक्त रुपेश सिंह भी उनके साथ मौजूद थे और इसके कुछ घंटों के बाद जब वो अपने घर लौटे तो बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी। चंद्रमोहन, अगर परिवार से आपकी बात हुई हो, क्या किसी प्रकार की धमकी भी उनको पहले मिल रही थी, क्या जानकारी परिवार वाले दे रहे हैं और इसके पीछे कौन हो सकता है, उनको क्या लग रहा है? बिल्कुल, देखिए अब तक किसी तरह की अदावत सामने नहीं आई है लेकिन प्रशासन यह जरूर खंगालने की कोशिश कर रही है कि क्या कोई पुराना रंजिश तो उनका किसी के साथ नहीं था। और साथ ही उनके कॉल रिकॉर्ड को भी खंगालने की कोशिश की जा रही है कि उनसे अंतिम बात किन लोगों से हुई थी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस हत्या के पीछे की हकीकत क्या है। लेकिन अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि आखिर क्यों यह हत्या हुई है, क्योंकि जो मुझे जानकारी है उसके मुताबिक काफ़ी मिलनसार थे रुपेश और उनकी किसी से झगड़ा की अब तक बात सामने नहीं आई थी। ऐसे में प्रशासन जो है वो फूंक फूंक कर कदम उठा रहा है और साथ ही जो एक सीसीटीवी में दो लोग मोटरसाइकिल से जाते हुए दिखे हैं उनकी भी तफ्तीश की जा रही है कि वो कौन लोग थे, कैसे पहुँचे और
फिर उनकी जांच भी की जा रही है, साक्ष्य इकट्ठा करने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि आखिर क्या वजह है। शायद सीसीटीवी अगर यहां का चलते रहता तो यह साफ हो पाता कि कौन लोग थे, कितने देर से यहां पर उनका इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि अमूमन वो 7 बजे के बाद और 7:30 के बीच अपने घर पहुँचते थे। ऐसे में अपराधी पहले यहाँ पर हत्या की जानकारी मिलते ही रुपेश के घर पहुंचे उनके रिश्तेदारों ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। हम पहुंचे तो इन लोगों से पता लगा कि यहाँ जैसे गेट पर पहुंचे हैं गोली मार दी गई है, और लोगों के अनुसार कोई जान नहीं पाया कि कौन लोग थे, कितने लोग थे, कहाँ से आए थे, ये कोई बता नहीं पा रहा है। और जैसे गार्ड से हमने बात किया तो गार्ड भी बोल रहे हैं कि ये भी कहीं गए हुए थे, तो सुरक्षा का तो है ही इशू है। हैरानी की बात यह है कि हाउसिंग सोसाइटी के गेट पर हुई इस हत्या के बावजूद किसी ने भी हमलावरों को नहीं देखा। शाम में हर दिन की तरह मतलब जिस तरह से आते हैं वो कल भी आए थे, लेकिन अचानक से अब किसने उनका पीछा कर करके उनको गोली मार दिया, या पहले से अपराधी यहाँ पे उनकी नज़र में थे, और ये जो भी हुआ बहुत दुखद हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। अपराधियों का इतना बड़ा दुस्साहस कि घर में घुस करके गोली मार देना, ये बहुत बड़ी बात है। जस्ट वो जब जैसे ये घटना हुई है, वो जैसा मुझे मालूम है उसके आधा घंटा पहले मैं भी घुसा था इस अपार्टमेंट में, और उसके बाद जब खबर लगा कि ऐसा हुआ तो हम लोग नीचे आए, तब तक देखे कि उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर बाद में मैं भी साथ में पीछे से हॉस्पिटल गया, पारस हॉस्पिटल, जहाँ पर फिर डिक्लेयर कर दिया गया कि वो नहीं रहे, और फिर सारे मीडिया वाले पुलिसकर्मी तो आए हुए थे रात में, सारे लोग कवर किए हैं। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है ताकि पूरा देश एकजुट होकर संकट का मुकाबला कर सके। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है और हम आप सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है। इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ का यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी। बच्चे अक्सर वो कर गुजरते हैं जो बड़े सोच भी नहीं पाते। उनका दिमाग, उनका जज्बा, उनका हौसला चट्टान सा मजबूत और पहाड़ जितना ऊंचा होता है। इसी हौसले को सलाम करने न्यूज 18 लेकर आ रहा है टीवी का एक अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस। बायजूस यंग जीनियस में देश देखेगा उन बच्चों को जिनकी उम्र भले ही कच्ची हो लेकिन हुनर पक्का है, जिनकी उम्र भले ही कम हो लेकिन कद बड़ा है। किसी भी शहर, कस्बे या महानगर में रहने वाले ये बच्चे अपने दिमाग से, अंदाज से दुनिया को दंग करते हैं। खास कार्यक्रम हम दिखाएंगे 16 जनवरी से, लेकिन उससे पहले आपको मिलवाते हैं कुछ और कमाल के किट से। मुंबई में रहती है कराटे किट 15 साल की खुशी, जो दो दो बार दुनिया की सबसे कम उम्र की ब्लैक बेल्ट बन चुकी है। तीन साल के बच्चे के हाथ रुई से मुलायम होते हैं, लेकिन 3 साल की उम्र में ही वो हाथ लोहे के बन जाए तो उसे कोई क्या मात देगा। वैसे भी उसके नाम में ही खुशी है। मिलिए खुशी से, जो दो बार दुनिया की सबसे कम उम्र की कराटे ब्लैक बेल्ट का रिकॉर्ड बना चुकी है। सुबह मेरी कराटे की प्रैक्टिस होती है और शाम को मेरी वेपन्स वगैरह उनकी प्रैक्टिस होती है। खुशी कराटे में कितनी हुनरमंद है इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि वो सिर्फ 7 साल की उम्र में महाराष्ट्र में सबसे कम उम्र की फर्स्ट डिग्री ब्लैक बेल्ट बनी। दो ही साल बाद 2014 में 9 साल की उम्र में खुशी ने झंडा गाड़ा और दुनिया की सबसे कम उम्र की सेकेंड डिग्री ब्लैक बेल्ट बन गई। 2018 में 13 साल की उम्र में खुशी ने दुनिया की सबसे कम उम्र की थर्ड डिग्री ब्लैक बेल्ट का खिताब जीता। खुशी की मां बुलबुल पुंज भी जूडो खेलती थी।
जूडो का वही अनुशासन उन्होंने अपनी बिटिया के दिलो दिमाग में भरा। आस पड़ोस के लोगों ने सवाल उठाए कि लड़की को कराटे क्यों सिखाना है, चोट लग जाएगी। लेकिन एक माँ का दिल जानता था कि उसकी बच्ची में एक अनोखा जुनून है। 4 साल की भी नहीं थी वो, उसी टाइम उसने एक इंटरस्टेट चैंपियनशिप में, शी वॉज द यंगेस्ट, और जिस कैटेगरी में भी वो खेल रही थी उसमें भी सबसे छोटी थी, और उसने 2 सिल्वर मेडल मारे थे, और उसके बाद वो नेशनल्स खेलने पूना गई थी। तो मतलब तब मुझे रियलाइज हुआ कि शायद ये आगे जाके कुछ कर सकती है। इसी का नतीजा है कि इतनी कम उम्र में ही खुशी के पास देश विदेश में जीते 400 से ज्यादा मेडल हैं, और वो हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया में भी अपनी दावेदारी पेश करने वाली है। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मम्मी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। टूर्नामेंट्स में अगर जल्दी जल्दी कभी पहनना होता है तो स्टार्टिंग में तो मैं पहन के चली आती हूँ, उसके बाद अगर 1 फाइट 2 फाइट हुई तो हमें अपना जो ग्लव्स वगैरह उनका कलर चेंज करना होता है जो है, तो वो जब चेंज करना होता है तो हार्डली वो 1 मिनट से भी कम टाइम देते हैं। तो मम्मी उधर सारे इक्विपमेंट्स लेके बैठी होती हैं और वो जल्दी जल्दी मेरे चेंज करवाती हैं, उतार के वो पहनाती हैं। एक माँ की इच्छा ने एक बच्ची को जैसे नए पंख दे दिए हैं, अब वो नहीं रुकने वाली।